आई नो यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि बिजनेस करे तो करे क्या भाई। ऑनलाइन के अंदर इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीटली एंड तक वॉच करेंगे तब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल में पता चलेगा कि अगर आप स्टूडेंट है, घर बैठे है, हाउसवाइफ है, आप सभी के लिए एक नई और यूनिक बिजनेस आइडिया विथ जीरो इन्वेस्टमेंट पे आपका मोबाइल फोन के जरिए कर पाएंगे। एक एप्लीकेशन के साथ ही जोड़ने के बाद ये बिजनेस आइडिया आपका शुरुआत हो सकता है, बहुत ही यूनिक तगड़ा बन सकता है पर डे की वाइज 2,000-3,000। जैसे जैसे आपका पोटेंशियल है वैसे वैसे आप कमा पाएंगे। इंटरनेट पे बिजनेस आइडिया बताने वाला तो बहुत सारे है, लेकिन कोई जेन्युइन बिजनेस आइडिया आपको नहीं पता चलता कि कौन सा बिजनेस करेंगे आने वाले टाइम पे, ये कितना ग्रोथ हो सकता है। बिजनेस ऐसा भी हो जो कि आज भी पैसा कमा के दे और आने वाले टाइम पे भी पैसा कमा के दे, ऐसा बिजनेस कौन सा है? टुडे आई विल टॉक अबाउट एक ऐसा बिजनेस आप लोगों को बताने वाला हूं कि लॉन्ग स्टेबल रनिंग के लिए आपको ये बिजनेस चलेगा। आप अगर कहीं पे जगह पर इंडिया पर रहेंगे ऑटोमेटेड आपका बिजनेस रन होगा, वो भी ऑनलाइन के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि चैनल पर अगर नया है तो एक सब्सक्राइब करते जाना, रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका देखने के लिए। ये एक ऐसा आइडिया है कि पीपल विल कम टू यू एंड दे विल बी बाई। आपके पास कस्टमर आएगा, आप कस्टमर के पास नहीं, ऑटोमेटेड कस्टमर आएगा आपके पास, प्रोडक्ट बाय करेगा और रिकरिंग रेवेन्यू वाइज आपका मुनाफा जनरेट कर देगा। एंड जो लोग एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं ना उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अगर आप पैसा कमाना नहीं चाहते ऑनलाइन के अंदर तब आप ये वीडियो को स्किप कर जा सकते हैं, कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन सही में जो स्टूडेंट, जो लोग इंटरेस्टेड है उन्हीं लोगों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और सबसे बढ़िया बात है कि इस पूरे मॉडल को करने के लिए आपको जीरो रुपीज इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो जो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। अब इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करके आप लोगों का दिमाग पर अचानक से लग जाएगा कि भाई इंश्योरेंस क्या, मतलब कौन सा ऐसा इंश्योरेंस हम लोगों को क्या क्या करवाएंगे। देखो ध्यान से देखो पूरा आइडिया को एंड तक। देखो मेरा एक पर्सनल सवाल है आप लोगों के पास कि अभी आपका बैंक अकाउंट पर कितने पैसा पड़े हैं। किसी का अकाउंट पर मान लो कि 1,00,000, 2,00,000, जो भी पैसा पड़े है उस पैसों को लेकर आप लोग सेविंग्स में डाल देते हो या पूरा पैसों को सेविंग्स करते हो। अभी ये कोरोना वायरस आने के बाद ह्यूमन का, आदमी का एक ऐसा साइकोलॉजी बन गया कि हर एक लोग, हर एक फैमिली से अपना हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली करवाते हैं। मैं सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का बात करूं, बाकी के अलावा बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस ये तो रहने दीजिए अभी। अब जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं कहां पर? कोई बड़ी बड़ी कंपनी पे, जैसे कि LIC का हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे कि स्टार हेल्थ का हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत भी अलग अलग कंपनीज है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ वो लोग बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको करवाना होगा लोगों का इसी नीड का सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लोगों को आप प्रोवाइड करेंगे इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, आप उसमें मुनाफा कमाएंगे। अब देखो आपका दिमाग पर सवाल आने वाला है कि आपको यह चीज करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा लोग कर सकते हैं। भाई साहब मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि यह बिजनेस करने के लिए आपका सिर्फ 18 साल का उम्र होना काफी है। अगर आप 18 साल का उम्र है, थोड़ा बहुत स्किल है, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, तब भी आप इस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि अभी का जमाने में ऑनलाइन पे यही प्लेटफॉर्म में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप पेशेंट का हो, कोई भी बाइक का हो, इंश्योरेंस करवाएंगे, उसमें प्रॉफिट कमाएंगे। अब यहां पर प्रॉफिट का नजारा थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको कंपनी बताने जा रहा हूं कि कैसे इसमें रजिस्टर करना है और कैसे आपका अर्निंग शुरुआत होने जा रहा है। अब मान लो कि कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी लोगों का, तो मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस होता है मान लो कि 1000 का, 500 का भी होता है, 1100 के होता है, 2000 का भी होता है, वो डिपेंड होता है कि कितने का प्लान वो पेशेंट ले, वो लोग ने ले रहे हैं। मान लो कि कोई लोग 1000 का एक तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो कंपनी आपको बोल रहे हैं कि भाई साहब आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप मेरे को कस्टमर दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, मैं आपको 25% दे दूंगा। मतलब 1000 का 250 आपको मिल गया एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए कंपनी की तरफ से। अब जब वो क्लाइंट आपका हेल्थ के दौरान बना, जो क्लाइंट आपका बन गया, जो कस्टमर की मान लो जो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास करवाए, क्या वो उसको आने वाले टाइम पे वो उसके पास कार है, बाइक है, वो अलग अलग चीज है घर में, उनका चीज को नहीं आप प्रोवाइड कर सकते उन चीज का इंश्योरेंस को, बाइक इंश्योरेंस, कार को इंश्योरेंस आने वाले टाइम? क्योंकि आपको ही बोलेगा हर एक फैमिली का आप अलग अलग इंश्योरेंस एडवाइजर बन जाएंगे। अब
गौर से देखिए आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपका काम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आपका मोहल्ले में आपका जहाँ पर रहते हैं उस एरिया पे बैनर जब वगैरह वगैरह लगा देंगे, आपके पास कॉल आने लगेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि अभी एक ऐसा तरह बैनर बनाओ कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोरोना वायरस का कुछ भी हो सकता है तब आपको हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा मतलब डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा तरह इंश्योरेंस रहता है। अब जब भी ये इंश्योरेंस को कवर कर दे रहे हैं अब उनके पास आने वाले टाइम पर अगेन सर्विसेज उसके पास रेन्यूअल करवाते जाएंगे, आप इधर से मुनाफा कमाते जाएंगे, चाहे वो बाइक का इंश्योरेंस हो, कार का इंश्योरेंस हो, हेल्थ का इंश्योरेंस हो, ईच एंड एवरीथिंग। जैसा जैसे आप फैमिलीज जुड़ते जाएंगे, एक फैमिलीज में एक मेंबर नहीं होते, मान लो कि आप उन्होंने कोई भी घर का आदमी एक इंसान करवा रहे, तब उनको बोल रहे कि सर आपके पास आपका वाइफ है, आपका चिल्ड्रंस है, इनका भी ख्याल रखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप इनका भी इंश्योरेंस करवा देंगे। तो आप अगर 1000 का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें से 250 रुपीस आपका प्रॉफिट हो रहा है, चार लोगों का करवा रहे हैं तो आप 1000 रुपीस एक फैमिली से रोजगार कर रहे हैं। वैसे इंडिया पे लाखों करोड़ों फैमिलीज है, मैं उतने ज़्यादा डीपली मतलब उतने ज़्यादा एक्सपेंड मैं नहीं फजूलबाज में पकड़ रहा हूँ। आपका लोकेलिटी पर मान लो कि अगर 10 घर को पकड़ेंगे तो 10,000 रुपीस एज ए एक हफ्ता के अंदर आपके जेब पर आ रहे हैं। वैसे 50 को करेंगे तो 50,000 रुपीस, एक घर में एक मेंबर तो नहीं करवाएगा, कम से कम 4, 5, 6, 7 जितने भी मेंबर हैं उनको कवर करने की कोशिश कीजिए आपके साइकिल के अंदर, आप जो सर्विसेज इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विसेज के अंदर। देखो आप आपका दिमाग पर जो बड़ी सी कॉन्फ्यूजन वाला बात है उसको दूर कर देता है कि भाई हम ये चीज़ को करें तो करें कहाँ पर। आपके लिए एक तो मैं बड़ी सी प्लेटफॉर्म रिकमेंडेशन करने जा रहा हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी दिया हुआ है, वन कोड ऐप का मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले वीडियोज़ बना दिया था, उसमें आपको अकाउंट सबसे पहले बनाना है। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो देखो आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, सबसे पहले अकाउंट वाला वीडियो कंप्लीट कर लो कि कैसे इसमें अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद देखो जब भी इसमें अकाउंट वगैरह कंप्लीट कर लेंगे आपको जाना है नीचे इंश्योरेंस वाला सेक्शन पर, वहां पर 2-3 कंपनी एवरी टाइम अवेलेबल रहता है जो आपको इंश्योरेंस एजेंट बनवा के काम करवाता है इसी कंपनी के अंदर। आप इस वन कोड में इंश्योरेंस बेचेंगे, लोगों को जो इंश्योरेंस करवा रहे करवाएंगे उसमें 25% 15% जैसे जैसे कंपनी आपको प्रॉफिट देता वैसे वैसे आप मुनाफा कमाते जाएंगे। अगर मान लो कि महीने में अगर 100 भी घर किया तो 1,00,000 रुपीज आपको मतलब अर्निंग करने से यहां पर कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत कर सकते अगर आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वुमेन लोगों के लिए ये आइडिया बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, अगर आप करेंगे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सो मेरा ये आज का जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको कैसा लगा एक कमेंट करके नीचे बताना होगा, और अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, कुछ भी सवाल कुछ भी ओपिनियन कमेंट पर जरूर बताइए, चैनल पर अगर नया है तो एक सब्सक्राइब करते जाना रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे पैसा कमाने का तरीका देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, हर बार जैसे वापस अगर वीडियो देखने के लिए और मेरे को इतना ज्यादा प्रेम पूर्ण भक्ति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदेश वीडियो पर, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।